हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं चने की टिक्की, चाहे आप कबाब कह लीजिए और चाहे टिक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये प्रेशर कुकर, और ये लिए है मैंने चना जो कि मीडियम साइज़ का है, और जो थोड़ा येलो टाइप का यानी होता है, जो काला चना नहीं होता है, ब्राउन होता है, वो वाला है मेरे पास। और एक टमाटर लिया हुआ है, दो हरी मिर्च ली है। तो इनको हम सबको अच्छे से इसमें डाल लेंगे। इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी, और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ पानी। तो पानी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है एक उबाल आने के लिए। तो बस अब इसको बंद करके एक सीटी लगा लेंगे। तो हमारे चने बॉयल हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बढ़िया से। और इसकी जो टमाटर की ये जो छिलका है, ये इसको हम निकाल देंगे, और अब हम इन्हें पीस लेंगे। पीसने के पहले इसमें हमें थोड़े से बेसिक मसाले डालने हैं। तो वो हैं ये बेसिक मसाले। मिर्च ली है मैंने, धनिया पिसा हुआ लिया है, जीरा पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, थोड़ी सी हींग ली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी ली है, और नमक लिया है स्वाद के अनुसार, और ये कटा हुआ बारीक प्याज है, और एक हरी मिर्च, और हरा धनिया भी है। तो वो ये सब मैं बाद में डालूंगी, अभी मुझे ये मसाले डालने हैं। प्याज और धनिया मैं बाद में डालूंगी, ये जो ड्राई मसाले हैं ये मैं अभी डालूंगी इसके पीसने के साथ। तो इन्हें मैं डाल लेती हूँ। नमक मैंने पहले भी डाला था, तो नमक मैं अब थोड़ा ही डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर है, और ये प्याज और हरा धनिया बाद में मुझे मिक्स करना है। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके पीस लूँगी मिक्सी में। तो ये मैंने चने पीस लिए हैं, थोड़े से मोटे ही पीसे हैं ताकि इसकी अच्छी सी टिक्की बन जाए क्रिस्पी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा प्याज और मिर्च और हरा धनिया। और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला लूँगी। मुझे एक ऐसा टेक्सचर बनाना है कि अच्छे से ऐसे जब हम बॉल बनाएं तो बॉल बन जाए। तो ये देखिए बॉल अच्छे से बन रहा है, इसकी टिक्कियां अच्छे से बन जाएंगी। तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इन सारी चीज़ों को, और अब हम इसे टेस्ट करके थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें नमक या किसी कोई चीज़ कम तो नहीं है। इसमें आमचूर पाउडर थोड़ा सा कम है, तो मैं और ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बिल्कुल परफेक्ट टिक्कियाँ बन चुकी हैं। जब इन्हें बनाएं तो हल्का सा ग्रीसिंग कर लें हाथों की, हल्का सा ऑयल लगा लें, और फिर इनको बनाएं। तो मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, और इसके लिए मैंने सेकने के लिए मैंने तवा रखा हुआ है, इस पर मैंने ऑयल डाला है, और अब मैं इन टिक्कियों को इस पर सेकूँगी। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन में अच्छे से सेक सकते हैं, अदरवाइज कंफर्टेबल है ये भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत टेस्टी हैं, और हेल्दी भी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इनमें बेसिक से मसाले पड़ते हैं, बिल्कुल बनाना इन्हें बहुत ही आसान है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।